हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी वार्म वेलकम टू एलके एकेडमी। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारी जनवरी सीरीज का नेक्स्ट करंट अफेयर लेक्चर। तो पिछली बार जो पहले मैंने आपको टेस्ट क्वेश्चन दिए हुए थे उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दीज आर रेगुलेटेड बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली। चलिए, सही है या गलत है आपको मुझे बताना है। सेकेंड जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क ऑफ द आरबीआई इज एप्लीकेबल ऑफ दीज बैंक्स। दीज बैंक्स मीन्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसको हम यूसीबी के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या होगा? आपका सही ऑप्शन यहाँ पे होगा नीदर वन ऑफ दिस इज करेक्ट। वाई? बिकॉज द बैंकिंग ऑपरेशन ऑफ यूसीबीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच लेज डाउन देयर कैपिटल एक्विडिसी रिस्क कंट्रोल एंड लेंडिंग नॉर्म्स। हाउएवर देयर मैनेजमेंट एंड रिजोल्यूशन इन दिस केस ऑफ डिस्ट्रेस इज रेगुलेटेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, तो देखिए सारी चीजें आरबीआई मैनेज नहीं करता है। अगर कोई क्राइसिस होती है तभी उसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है या उसका मैनेजमेंट चेंज करने की जरूरत पड़ती है, जिसके बारे में आरबीआई गाइडलाइन इश्यू करता है। ओके, अदरवाइज जो उसका नॉर्मल जो डे टू डे वर्क है उसको आरबीआई के साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो जो रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो इधर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो सकते हो। क्या आरबीआई के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क ऑफ द आरबीआई इज एप्लीकेबल ओनली टू द कमर्शियल बैंक्स एंड इज नॉट एक्सटेंडेड टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज। हिंस स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट। ओके, तो ये तो हमने देखा ही था पिछली बार, ठीक है ना। जो बड़ी बड़ी नेशनलाइज बैंक है उनका जो उन्हीं के ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इश्यू होता है। ओके, अदरवाइज यूसीबी पे नॉर्मल केसेस में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इश्यू नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, विथ रेफरेंस टू द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट एनलिस्ट्स 22 मेजर लैंग्वेजेस ऑफ द कंट्री। ओके, तो चलिए 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं, ये तो सही बात है। इंग्लिश इज वन ऑफ द लैंग्वेजेस लिस्टेड अंडर दिस शेड्यूल। अब इंग्लिश यहाँ पे लिस्टेड नहीं, ओके, 22nd शेड्यूल में उसको लिस्टेड नहीं किया गया है। ओके, चलिए तो ये गलत हो गया। दी reference to the 8th schedule has been made only in article 344. okay, तो सिर्फ article 344 में नहीं है, वो article 351 में भी उसके related constitution में आपको information दी गई है, कुछ बातें दी गई है। okay, तो यहाँ पे आपका सही answer क्या हो जाएगा? One on your, देखिए यहाँ पे list में जो आपको सारी भाषाएं दिख रही है, आसामी से लेकर बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़ा, हिंदी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओके, तो और राइट साइड जो सारी लैंग्वेजेस दी हुई है, 2022 लैंग्वेजेस लिस्टेड इन स्केड्यूल 2। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बात की थी कि भाई अभी तुलु लैंग्वेज के लिए भी कैंपेन चल रहा है कि भाई तुलु लैंग्वेज को भी 22nd मीनिंग 8th स्केड्यूल में उसको भी जगह मिलनी चाहिए, और इसके लिए काफी रिग्रेस कैंपेन अभी चल रहा है। ओके, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में तुलु लैंग्वेज को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाए। ओके, चलिए उसी के रिगार्डिंग आपको नीचे डिटेल दी हुई है, 8th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट 22 मेजर लैंग्वेजेस ऑफ द कंट्री। ओके, लैंग्वेजेस इंक्लूड, और ये सारी जो लैंग्वेजेस है वो आपको याद रखनी है। आपको ये पूछा जा सकता है कभी कभी कि भाई कौन सी है या कौन सी नहीं है इन द 22nd स्केड्यूल। रेफरेंस टू द 8th स्केड्यूल अकर्स इन द आर्टिकल 344(1) एंड 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिंस स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट। तो 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएंगे, और स्टेटमेंट 1 जो है दैट इज द ओनली करेक्ट सेंटेंस। ओके, चलिए आई होप दिस इज क्लियर। स्टेटमेंट 3 आपको दिया गया था, विथ रेफरेंस टू डिजी लॉकर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 1 इट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये सही बात है। ओके, इट एम्स टू सिक्योर यूजर्स गोल्ड थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये एकदम ही गलत बात है। क्यों डिजी लॉकर स्टार्ट किया गया आफ्टर द फर्स्ट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट? ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ओके, इंपॉर्टेंट सारे जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, आपका आधार कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड,
क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये सारे जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको हमेशा अपने साथ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स इन द डिजी लॉकर अकाउंट ऑफ योर पर्टिकुलर डिजी लॉकर अकाउंट, देन दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू ईच एंड एवरी गवर्नमेंट ऑफिस। ओके, आपको कोई हार्ड कॉपी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिजिटल फॉर्मेट में आप अपने सारे जो डॉक्यूमेंट है उसको डिजी लॉकर पर सेव कर पाओगे। ओके, उसका गोल्ड के रिजर्वेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ओनली वन स्टेटमेंट, वन इज ओनली करेक्ट। ओके, जो देखिए नीचे आपको दिया हुआ है, डिजी लॉकर इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, हिंस स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। इट इज गवर्नमेंट एफर्ट टू क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच कैन बी ईजिली वेरीफाइड एंड स्टोर्ड इन प्रिंटेबल फॉर्मेट एंड यूजर्स कैन स्टोर देयर डॉक्यूमेंट्स सच एज इंश्योरेंस, मेडिकल रिपोर्ट्स, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट एंड लॉट अदर डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट। ओके, उसका गोल्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके, चलिए तो ये चलिए तो आज हमारे करंट अफेयर से हम स्टार्ट करेंगे और पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है व्योम मित्रा। अब व्योम मित्रा देखिए, आपको यहाँ पे पिक्चर में मैंने बताया हुआ है कि व्योम मित्र किसको कहा जाएगा। तो फर्स्ट जो लेडी रोबोट है जिसको एज अ टेस्ट फ्लाइट में इसरो भेजेगा, जो कि गगनयान के अंडर एक टेस्ट फ्लाइट भेजी जाएगी, उसमें जिसको भेजा जाएगा उसको नाम दिया गया है व्योम मित्र। और इंडिया की तरफ से जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जा रहे हैं उनको नाम दिया गया है व्योमनॉट्स। ओके, रिसेंटली द इसरो अनवेल्ड इट्स फर्स्ट वुमन एस्ट्रोनॉट नेम्ड व्योम मित्रा हु विल राइड टू स्पेस इन द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ द ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान। शी इज हाफ ह्यूमेनॉइड एंड हर बॉडी स्टॉप्स एट द टॉर्सो एंड हैज नो लेग्स। ओके, ओनली अपर बॉडी ही इसमें भेजी जाएगी क्योंकि उतनी ही बनाई गई है। शी इज केपेबल ऑफ स्विचिंग पैनल ऑपरेशंस, परफॉर्मिंग एनवायरमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स फंक्शंस, कन्वर्जेशन विद द एस्ट्रोनॉट्स, रिकॉग्नाइजिंग देम एंड सॉल्विंग देयर क्वेरीज। द ह्यूमेनॉइड कैन डिटेक्ट एंड गिव आउट वार्निंग इफ द एनवायरमेंट चेंजेस विद इन दी कैबिन। ओके, तो ये सारी चीजें वो परफॉर्म कर पाएगा। शी विल स्टिम्यूलेट द ह्यूमन फंक्शंस रिक्वायर्ड फॉर स्पेस बिफोर रियल एस्ट्रोनॉट्स टेक ऑफ बिफोर अगस्त 2022। देखिए अगस्त 2022 से पहले का इसरो का एम है, विच 2022 का जो ईयर है वो सेलिब्रेट करेगा 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड दैट्स वाई गगनयान को इतनी जल्दी से रैपिडली रैप अप किया जा रहा है ताकि हम उस डेडलाइन को मैच कर पाए। और गगनयान मिशन में हमें हेल्प कौन कर रहा है, हमें हेल्प कर रहा है रशिया। ओके, हमारे जो एस्ट्रोनॉट ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के चार पायलट्स को चार ऑफिसर्स को फिल्टर आउट कर लिया गया और उनको भेजा गया है रशिया टू ट्रेन देम इन दी स्पेस एनवायरमेंट। ओके, शी विल बी सेंट इन अ स्पेस कैप्स्यूल अराउंड दी एंड ऑफ 2020 और अर्ली 2021 टू स्टडी हाउ एस्ट्रोनॉट्स रिस्पॉन्ड टू लिविंग आउटसाइड अर्थ इन कंट्रोल्ड जीरो ग्रेविटी कंडीशन। ओके, तो आपका ह्यूमन बॉडी कैसे स्पेस में रिएक्ट करेगा उसको जानने के लिए, उसको स्टडी के लिए इनको भेजा जा रहा है और उसका नाम दिया गया है वुमन एस्ट्रोनॉट नेम्ड व्योम मित्रा। ओके, द ह्यूमेनॉइड हैज बीन डेवलप्ड बाई द इसरो इन इनर्शियल सिस्टम यूनिट थिरुवनंतपुरम। ओके, तो थिरुवनंतपुरम में अभी इसको डिस्प्ले भी किया गया था पूरे एक एग्जीबिशन में और वहां पे इनको बनाया गया है। ओके, चलिए गगनयान क्या है। गगनयान इज द 10,000 करोड़ इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट स्केड्यूल फॉर 2022। इट इज डिजाइंड टू हैव 3 to 7 क्रू मेंबर्स स्पेंडिंग 3 to 7 डेज इन स्पेस इन अ 400 किलोमीटर ऑर्बिट। ओके, तो 3 to 7 लोगों को भेजा जाएगा जो लगभग हफ्ते भर के लिए स्पेस में रहेंगे अराउंड द 400 किलोमीटर ऑर्बिट। द फर्स्ट ऑफ टू प्री गगनयान फ्लाइट्स विद अ ह्यूमनॉइड विल बी लॉन्च्ड इन 2020 एंड अलोंग विद सम ऑफ द 6 शॉर्टलिस्टेड माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स। ओके, 4 इंडियन एयरफोर्स पायलट्स चूजन एज कैंडिडेट एस्ट्रोनॉट्स फॉर इंडियाज फर्स्ट मैंड मिशन कॉल्ड गगनयान हैव बिगन ट्रेनिंग एट दी गैगरिन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर इन मॉस्को रशिया। ओके, अब देखिए रशिया से जो एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा उसको क्या नाम दिया जाता है, कॉस्मोनॉट। जो लोग यूएसए नासा के थ्रू जो लोग स्पेस में जाएंगे उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है एस्ट्रोनॉट। जो लोग इंडिया से जाएंगे उनको नाम दिया गया है व्योमनॉट्स। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है।
In June 2019, the Human Space Flight Center of the Indian Space Research Organization and the Russian government-owned Glexoms signed a contract for the training, which includes Russian support in the selection of candidates, their medical examination and space training. The candidates will study in detail the system of the Soyuz-manned spaceship, as well as be trained in short-term weightlessness mode aboard the 276 MDK aircraft. ओके, तो देखिए ये चीज एक्चुअली अभी अपने लिए इतनी नेसेसरी नहीं होगी. दिस इज जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा स्टफ. द सोयूज इज अ रशियन स्पेसक्राफ्ट. ओके, रशियन बनावट का वो स्पेसक्राफ्ट है. द सोयूज कैरीज पीपल एंड सप्लाईज टू एंड फ्रॉम द स्पेस स्टेशन. द 76 MDK is military transport plane specially designed for parabolic flights of trainees, astronauts and space tourists. Okay, the candidate will also be trained to take appropriate actions during emergencies. Okay, तो वो सारी space training, जो required space training है वो रशिया उनको provide करेगा. Okay, तो गगनयान mission में हमें कौन सी पार्टनर कंट्री है या हेल्पिंग कंट्री है, तो अगर ऐसा पूछा जाए तो that will be Russia. Okay, चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ. ओके, और क्या टॉपिक है ये कि भाई इंडिया ने मालदीव्स को मदद की है. क्या मदद की है? तो वैक्सीनेशन, मीसल्स की वैक्सीनेशन के ऑलमोस्ट हमने 30,000 डोजेस जो है वो मालदीव्स को प्रोवाइड किए हैं. अब देखिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2017 में ही मालदीव्स को मीजल्स फ्री डिक्लेयर किया गया था. ओके, और उसके बाद इतने कम टाइम में उस वहां पे मीजल्स वापस देखने को मिला है. ओके, और कुछ ही महीनों पहले रूबेला से भी उसको फ्री डिक्लेयर किया गया था. ओके, चलिए, इंडिया हैज हेल्प्ड द मालदीव्स इन टैकलिंग मीजल्स आउटब्रेक बाय प्रोवाइडिंग ओवर 30,000 डोजेस ऑफ मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन. द आउटब्रेक कम्स लेस देन 3 ईयर्स आफ्टर द WHO डिक्लेयर्ड द मालदीव्स मीजल्स फ्री इन 2017. The Maldives presented a certificate of appreciation to the government of India for this gesture of goodwill and solidarity. Okay, तो Maldives हमारा एक जो South Ocean region जो है वहाँ पे हमारा Maldives एक काफी अच्छा सा part था. सागर vision जो है India का, okay, जो कि है Indian Ocean में जो security बढ़ाना है, जो patrolling बढ़ाने की जो बात है, तो वहां पे भी मालदीव्स हमें काफी अच्छी तरह से मदद कर सकता है. ओके, चलिए, इट इज इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग द इंडिया मालदीव्स रिलेशंस. बोथ द कंट्रीज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन हेल्थ कोऑपरेशन इन जून 2019. ओके, देखिए जून 2019 में हमने हेल्थ के लिए जब प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए थे, ओके, मालदीव्स में, तो वहां पे तब उस टाइम पे 6 एक्चुअली हेल्थ के सेक्टर में, सिक्योरिटी के सेक्टर में, ऐसे टोटल 6 सेक्टर्स में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए थे. ओके, और उसमें से एक था हेल्थ कोऑपरेशन, और उसके अंडर में इंडिया ने उसको मदद कर दी है. द MOU draws a roadmap for cooperation in capacity building and training of doctors and medical professionals, disease surveillance, training of mental health professionals, setting up of digital health capacities in the Maldives. India is also helping the Maldives in building a 100-bed cover hospital in हुलहुमाले इज अ पार्ट ऑफ $800 million लाइन ऑफ क्रेडिट. तो देखिए लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है कि 0% और काफी कम सॉफ्ट लोन देना. ओके, और काफी कम इंटरेस्ट पे लोन देना. तो देखिए अब तक इंडिया इस पोजीशन पे था कि हम लोगों से लोन ले रहे थे. अब इंडिया की जो नई पॉलिसी है, नई फॉरेन पॉलिसी के अंडर चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने ये सोचा है कि जो भी हमारे आसपास के छोटे कंट्रीज है, अफ्रीकन जो छोटे मोटे कंट्रीज है, उनको लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाएगी. ओके, एंड व्हाट इज लाइन ऑफ क्रेडिट, कि भाई उसका जो ब्याज दर होगा, जो इंटरेस्ट रेट होगा, वो या तो 0% होगा या तो काफी कम होगा. ओके, बोथ इंडिया एंड द मालदीव्स आर द मेंबर्स ऑफ WHO's रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया. ओके, तो हम मालदीव्स के साथ काफी सारे प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं, और जो नई हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसमें मालदीव्स को काफी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है. तो आपको ये याद रखना है कि भाई 30,000 डोजेस हमने मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन के पहुंचाए हैं किसको, मालदीव्स को. ओके, चलिए, मीजल्स क्या है? इट इज अ हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज एंड इज अ कॉज ऑफ डेथ अमंग यंग चिल्ड्रन ग्लोबली. ओके, इट कैन कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस, एनसेफेलाइटिस, सीवियर डायरिया, ईयर इन्फेक्शन एंड न्यूमोनिया. रूबेला क्या है? रूबेला इज ऑल्सो कॉल्ड इज जर्मन मीजल्स. तो देखिए ये दोनों मिलते जुलते ही
डिजीज है, और उन दोनों की जो वैक्सीन है वो भी एक ही वैक्सीन दोनों डिजीज के लिए इस्तेमाल की जाती है। रूबेला इज कंटेजियस, जनरली माइल्ड वायरल इन्फेक्शन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। रूबेला इन्फेक्शन इन प्रेग्नेंट वुमन मे कॉज फेटल डेथ और कंजेशियल डिफेक्ट्स नोन एज कंजेशियल रूबेला सिंड्रोम। CRS इज इरिवर्सिबल बर्थ डिफेक्ट्स। ओके, तो अगर कोई गर्भवती महिला है और उसको अगर मान लीजिए कि रूबेला हो जाता है तो वो उसके जो गर्भ में बच्चा है उसको भी अफेक्ट कर सकता है, और उसकी इफेक्ट क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल है। ओके, उसको आप किसी भी तरीके से फिर क्योर नहीं कर सकते। मीजल्स एंड रूबेला आर कॉज्ड बाय डिफरेंट वायरसेस बट शेयर मोर और लेस द सेम सिम्टम्स इंक्लूडिंग द रेड रैशेस। The measles and rubella initiative, a global program aims at eliminating both these diseases. और उसी के लिए एक ही वैक्सीन दी जाती है। ओके, चलिए, और उसका नाम क्या है? The vaccine for the diseases are provided in the form of measles rubella, measles mump rubella और measles mump rubella varicella combination. ओके, तो जिस हिसाब से डिजीज है उस हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करेगा कि इन तीनों में से कौन सा जो वर्जन है वैक्सीन का वो किसी बच्चे को देना है। ओके, चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और वो है नाविक टेक्नोलॉजी जो है। ओके, नाविक जो है उसको इन बिल्ड अप इंडियन मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल में डाला जाएगा। अब नाविक क्या है? वो हमारी नेविगेशन सिस्टम है जो इंडिया ने खुद बनाई है। ओके, इंडियन ओरिजिन नेविगेशन सिस्टम। आप अभी जो नेविगेशन सिस्टम यूज कर रहे हो दैट इज मोस्ट प्रोबेबली गूगल मैप्स। ओके, तो वो बनाई गई है गूगल की तरफ से। चलिए, नाविक इन मोबाइल्स क्या है? क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज हैज अनवेल्ड मोबाइल चिपसेट्स सपोर्टिंग द इंडियन रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नाविक, नेविगेशन इन इंडिया कॉन्सिलेशन। यूजर्स ऑफ सच मोबाइल चिपसेट्स विल बी एबल टू यूज नाविक विद इन द इंडियन रीजन एंड नेबरिंग कंट्रीज। ओके, तो देखिए, एक तो इंडियन रीजन में और आसपास के कंट्रीज में भी नाविक को यूज किया जा सकेगा। ओके, अब क्या है ये नाविक? तो नाविक का पूरा नाम पहले देख लीजिए, नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ओके, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्यों? क्योंकि नेविगेशन सिस्टम में आपको काफी सारे जो सैटेलाइट्स है उनके मदद से आपको डेटा की जरूरत पड़ेगी, उनकी मदद से आपको डेटा रिसीव होंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड रिलायबल पोजिशन नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज ओवर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। देखिए किस तरह से इंडिया धीरे धीरे जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज है उसको टक्कर दे रहा है। ओके, नेम्ड आफ्टर इंडियन फिशरमैन एंड नेविगेटर्स नाविक विल प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ सर्विस। तो वो होगा एक तो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस और दूसरा होगा रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज, इज एन एनक्रिप्टेड सर्विस मेंट फॉर ऑथोराइज यूजर एंड एजेंसीज। तो जैसे मान लीजिए आर्मी को, एयरफोर्स को या नेवी को कभी कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन अगर शेयर करनी है या वॉच करनी है तो वो लोग भी ऐसी रेस्ट्रिक्टेड सर्विस को यूज कर पाएंगे इन ए लिमिटेड मैनर। ओके, जो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होगी। जनरल पब्लिक के लिए क्या अवेलेबल होगा? स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज। ओके, अनलाइकली द वाइडली यूज्ड जीपीएस विच इंक्लूड 24 सैटेलाइट्स, नाविक हैज 7 सैटेलाइट्स एंड देयर रेंज इज विद इन इंडिया एंड इट्स एडजॉइनिंग रीजियंस एक्सटेंडिंग अप टू 1500 किलोमीटर्स फ्रॉम द कंट्रीज बॉर्डर। ओके, तो आसपास के जो 1500 किलोमीटर के जो एरिया में जो भी कंट्रीज आते हैं उनको ये सैटेलाइट्स कवर करेंगे। कितने? 7 सैटेलाइट्स कवर करेंगे। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, 7 सैटेलाइट्स एंड अप टू 1500 किलोमीटर्स। ओके, टेक्निकली सैटेलाइट सिस्टम विथ मोर सैटेलाइट्स प्रोवाइड मोर एक्यूरेट पोजिशनिंग इन्फॉर्मेशन, हाउएवर कंपेयर्ड टू जीपीएस विच हैज पोजिशन एक्यूरेसी ऑफ 20-30 मीटर्स, नाविक इज एबल टू पिन पॉइंट लोकेशन टू एन एस्टिमेटेड एक्यूरेसी ऑफ अंडर 20 मीटर्स। देखिए ऑलमोस्ट वो जो हम 24/7 जो जीपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी वो हमें 20 मीटर्स तक की प्रोवाइड करवाएगा। ओके, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में जो मोबाइल है उसमें नाविक आपको इनबिल्ट मिल जाए। ओके, चलिए, और ये जो 7 सैटेलाइट्स, ओके, वो कब कब के सैटेलाइट है, कब लॉन्च किए गए थे, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है। ओके, चलिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट। अब है क्या सागरमाला प्रोजेक्ट? तो नाम से ही पता चलता है कि भाई जो कोस्टल रीजन में जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को
वाले जो पोर्ट्स हैं उनको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। ओके चलिए, द सागरमाला प्रोजेक्ट सीक्स टू डेवलप अ स्ट्रिंग ऑफ पोर्ट्स अराउंड इन इंडियाज कोस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल। ओके, जब गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, तो ये सारे जो स्टेट में जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है उनको डेवलप किया जाएगा फेज वाइज। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू प्रमोट पोर्ट लेड डेवलपमेंट अलॉन्ग इंडियाज 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। ओके, देखिए पूरे भारत में जो कोस्ट लाइन की बात की जाए वो कितनी है, 7500 किलोमीटर जितनी लॉन्ग कोस्ट लाइन हमारे पास, और गुजरात के पास देखिए उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा गुजरात के पास है 1600 किलोमीटर जितना, राइट 1600 किलोमीटर जितनी कोस्ट लाइन किसके पास है, इंडिया के, गुजरात के पास है। इट एम्स टू डेवलप एक्सेस टू न्यू डेवलपमेंट रीजन्स विथ इंटर मॉडल सॉल्यूशंस एंड प्रमोशन ऑफ द ऑप्टिमम मॉडल स्प्लिट, एनहेंस्ड कनेक्टिविटी विद द मेन इकोनॉमिक सेंटर्स एंड बियॉन्ड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ रेल, इनलैंड वाटर, कोस्टल एंड रोड सर्विसेज। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी होगी इसके लिए, नोडल मिनिस्ट्री होगी द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ओके, अगर आपको पता है तो भाई इसके जो मिनिस्टर है वो कौन है, मनसुख मांडविया, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं। ओके, तो मनसुख मांडविया इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, हैज बीन अपॉइंटेड एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस इनिशिएटिव। टू इम्प्लीमेंट दिस स्टेट गवर्नमेंट्स वुड सेट अप अ स्टेट सागरमाला कमिटीज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर और द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ पोर्ट्स। तो क्योंकि हर स्टेट के साथ भी कम्युनिकेशन करना होगा तो हर स्टेट में एक स्टेट सागरमाला कमेटी अपॉइंट की जाएगी। एट द सेंट्रल लेवल अ सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी विल बी सेटअप, प्रोवाइड इक्विटी सपोर्ट टू असिस्ट वरियस स्पेशल पर्पस व्हीकल्स सेटअप फॉर वरियस प्रोजेक्ट्स। ओके चलिए, नाउ देखिए जो कि मैंने आपको बताया कि भाई ये पूरा जो आपका जो कोस्ट लाइन है, ओके यहां से लेकर कच्छ से स्टार्ट होता हुआ वो सुंदरवन तक वो कोस्ट लाइन आपकी जाती है, राइट। देखिए ये पूरा यहां तक आपको कोस्ट लाइन जाती हुई दिखेगी। ओके चलिए, तो क्यों ऐसा जरूरत पड़ी हमें सागरमाला प्रोजेक्ट लाने की, तो देखिए हमारा जो टोटल आज भी जो ट्रेड होता है उसमें से 1% से भी कम ट्रेड हमारा थ्रू ओशन होता है। अब जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए पावर में तो उन्होंने सोचा कि भाई हमारे पास इतना जब वास्ट अपॉर्चुनिटी हमारे सामने पड़ा हुआ है तो क्यों, देखिए क्यों हम उसके ऑप्शंस में खर्चा करें, राइट। और क्यों इस पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये सस्ता है। ओके, अगर मान लीजिए ट्रेन या हवाई ट्रेन जर्नी या रोड जर्नी अगर आपको 10 रुपए या 12 रुपए पर किलोमीटर अगर पड़ेगी तो उससे थर्ड फोर्थ जो अमाउंट होगा उसमें आप वाटरवेज क्रिएट कर पाओगे। ओके, सो जो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। ओके, इंडिया इज लोकेटेड अलोंग की इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स इन द इंडियन ओशन एंड हैज अ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ 7500 किलोमीटर, येट कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स एंड लैक ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज एट इंडियन पोर्ट्स ट्रिमेंडसली elongates the time taken to ship goods in and out of the country and has held back India's share of the world trade. Okay, तो आज भी जो world class जो ports है उसमें इंडिया के किसी भी ports का नाम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैसी world class facility नहीं है। Okay, तो इसी की वजह से वी आर lacking in that area. Okay, developing rivers as inland waterways can also help save domestic logistic costs. टू, सागरमाला could boost India's merchandise exports टू $1110 billion बाई 2025। देखिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, बन सकती है और कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे लिए। और ऐसा नहीं कि पोर्ट के इंपोर्ट होने से सिर्फ वाटरवेज के लिए बढ़ेगा, जो लोकल जो एम्प्लॉयमेंट होगा ओके वो भी वहां से अच्छा सा क्रिएट हो सकता है। देखिए एंड कैन क्रिएट एन एस्टिमेटेड 10 मिलियन न्यू जॉब्स बाई 2025। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है करंट इंडियन गवर्नमेंट के लिए। ओके चलिए, और आपको अगर उसका टैगलाइन पूछा जाए सागरमाला प्रोजेक्ट का तो वो क्या होगा, प्रोजेक्ट लेड प्रोस्पेरिटी। ओके चलिए, गुजरात के जो पोर्ट्स इसमें फिल्टर आउट किए गए भाई इन पोर्ट्स को
अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप किया जाएगा। तो वो पोर्ट्स कौन से हैं, तो कच्छ CEZ में जो है, ओके, कोस्टल इकोनॉमिक जोन है वो है, पहला तो है आपका कंडला पोर्ट एंड मुंद्रा पोर्ट। सौराष्ट्र CEZ में जो है वो है आपका पीपावाव पोर्ट एंड सिक्का पोर्ट। ये काफ़ी सारे गुजरात के ऑलरेडी नेशनल इंपॉर्टेंस वाले पोर्ट है, ओके। और सूर्यपुर CEZ में है दहेज पोर्ट एंड हजीरा पोर्ट, ओके। तो फेज वाइज इन छह जो पोर्ट्स को फिल्टर आउट किया गया है गुजरात की तरफ से, उनको आने वाले सालों में डेवलप किया जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सागरमाथा संवाद, ओके। हमने पिछली बार रायसीना डायलॉग के बारे में बात की थी, उसी को बेस बनाकर नेपाल ने भी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहा है फ्रॉम 2020, जिसको नाम दिया गया है सागरमाथा संवाद, और इसके लिए नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया था, ओके। चलिए, नेपाल हैज इनवाइटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू सागरमाथा संवाद, और ये सागरमाथा जो नाम दिया गया है वो दिया गया है माउंट एवरेस्ट के नाम के ऊपर से। बिसाइड्स मैनी ग्लोबल फिगर्स, द इवेंट ड्रॉज ऑल दी सार्क लीडर्स, ओके, दैट इज सार्क एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आपको पता होगा कि सार्क की मीटिंग पिछले काफ़ी सालों से 2016 से बिल्कुल भी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि 2016 में जो उरी हमला हुआ था उसकी वजह से इंडिया ने ऑलमोस्ट पाकिस्तान को बॉयकॉट कर दिया था, और क्योंकि सार्क में इंडिया का काफ़ी वजन है, काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर है इंडिया का सार्क के प्लेटफॉर्म पर, तो उसी की वजह से जैसे ही इंडिया ने पाकिस्तान को बॉयकॉट किया, इंडिया ने सार्क मीटिंग को बॉयकॉट किया, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बाकी के सारे ही कंट्रीज ने क्या कर दिया, सार्क में जाने से मना कर दिया, सार्क की मीटिंग में जाने से। और नेपाल क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है, बिकॉज जो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल में है, ओके। तो नेपाल ये नहीं चाहता कि भाई सार्क जो प्रॉस्पेरिटी के विजन से बनाया गया था कि भाई सार्क में कभी जो भी डिस्प्यूट्स हो गए उसको बैठ के सॉल्व किया जाएगा, तो नेपाल ये नहीं चाहता कि भाई वो ठप पड़ जाए या सार्क का जो प्लेटफॉर्म है वो डेड हो जाए। इसलिए नेपाल काफ़ी सालों से ये ट्राई कर रहा है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो बाकी सारे जो छोटे कंट्रीज है वो भी सपोर्ट करेंगे, ओके। और उसी का ये एक डिफरेंट वर्जन है सागरमाथा संवाद, ओके। देखिए, सार्क में नहीं आओगे आप, बट नेपाल ने अगर सागरमाथा संवाद अरेंज किया है तो पाकिस्तान भी वहां जाएगा और इंडिया भी वहां जाएगा, राइट। और वहां पे नेपाल ये बात इनिशिएट करेगा कि भाई हमें सार्क को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए, ओके। सो सागरमाथा संवाद प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक दी आइस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ओके। चलिए, सागरमाथा संवाद इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल टू होस्ट अ परमानेंट बायएनुअल ग्लोबल डायलॉग स्टार्टिंग फ्रॉम 2020। तो ये हर दो साल में एक बार सागरमाथा संवाद किया जाएगा। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी द बिगेस्ट डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव इन नेपाल्स रिसेंट हिस्ट्री। देखिए, अब तक तो नेपाल में राजाशाही चल रही थी, 2000-2001 के करीब करीब वहां पर लोकशाही आना स्टार्ट हुआ, वो भी काफी स्टेबल लोकशाही वहां पर नहीं रही है, ओके। It was established in 2019 and is headquartered in Kathmandu, Nepal. The Sambad is named after the world tallest mountain, Sagarmatha, meaning Mount Everest, which is also a symbol of friendship and is meant to promote the notions of the common good and collective well-being of the humanity. It is a multi-stakeholder dialogue forum committed to deliberate on the most prominent issues of global, regional and national significance. तो मैंने जैसे कि बताया आपको कि रायसीना डायलॉग की तर्ज पे ही सागरमाथा संवाद को स्टार्ट किया गया है। The first edition of सागरमाथा संवाद will be held in Kathmandu from 2-4 April 2020। देखिए, बट ये नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि बीच में क्या आ गया है, COVID-19 के चलते सारी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी और सारे कंट्रीज COVID-19 में लग चुके हैं, तो इसको क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, ओके। और थीम क्या होगी इस बार की, वो होगी क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, ओके। तो ये भी सागरमाथा संवाद भी आपको पूछा जा सकता है, ओके। चलिए, और रिसेंटली अभी क्या चल रहा है, ओके। तो रिसेंटली नेपाल हैज रिलीज्ड अ न्यू पॉलिटिकल मैप दैट क्लेम्स कालापानी,
लिम्पिया दूरा एंड लिपुलेक के जो जगह है, ओके, लिपुलेक पास की जो जगह है और ये सारा पड़ता है उत्तराखंड में, तो उनको उन्होंने नेपाल के मैप में इंक्लूड कर लिया है जो कि है इंडियन टेरिटरी। अब नेपाल ये बोल रहा है कि भाई वो हमारी टेरिटरी है, इंडिया ये बोल रहा है कि भाई वो हमारी टेरिटरी है, ओके, और इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि मैं हिस्ट्री के कोई भी अगर डॉक्यूमेंट उठा के देखोगे तो आपको प्रूफ मिल जाएगा कि भाई ये सारी जो जगह है वो इंडिया की टेरिटरीज है। क्योंकि इंडिया का हमेशा से एक ट्रेडिशन रहा है कि इंडिया कभी भी किसी कंट्री की जमीन को जब्त करने की ट्राई नहीं करेगा, ओके, तो बट पिछले कुछ महीनों से चाइना और नेपाल दोनों के साथ हमारे लिए क्या चल रहा है, थोड़ा टर्ब्यूलेंस हमें बॉर्डर पे देखने को मिला है, ओके, लद्दाख में चाइना हमें परेशान कर रहा है और यहाँ पे नेपाल हमें परेशान कर रहा है। अब ये नेपाल के साथ ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो वो स्टार्ट हुआ कि भाई काला पानी के पास इंडिया ने उत्तराखंड में एक रोड बना दी, ओके, जो कि सीधा कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है उसको थोड़ा ईजी बनाती है, उसको थोड़ा सहूलियत भरा बनाती है। तब जाके नेपाल को पता चला कि भाई ये काला पानी और लिम्पिया दूरा वाला जहाँ पे आपने अपनी सड़क डेवलप की है वो तो हमारा एरिया है। और इसी वजह से अभी एक पिछले ही कुछ दिनों में जून 2020 में अपनी संसद में, ओके, अब दोनों हाउसेस में नेपाल ने ये जो एरियाज थे कालापानी, लिम्पिया दूरा एंड लिपु लेक के, उनको अपने मैप में इंक्लूड करके एक नया नेशनल मैप उन लोगों ने पब्लिश किया है, ओके, और दोनों हाउसेस में उसको परमिशन भी मिल गई, उसको पॉजिटिव नोट भी मिल चुका है, ओके, चलिए। द एरिया सुस्ता कैन ऑल्सो बी नोटेड इन द न्यू मैप, तो जो नया मैप है वहां पे वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का जो कि बिहार में पड़ता है वहां का एक सुस्ता करके एक एरिया है उसको भी नेपाल ने अपनी टेरिटरी में दर्शाया है, ओके, तो इंडिया ने इस पे काफी स्ट्रांग ऑब्जेक्शन रजिस्टर अपना करवाया है, ओके, चलिए। तो देखना है कि भाई ये बॉर्डर डिस्प्यूट को इंडिया दोनों कंट्रीज के साथ, नेपाल के साथ और चाइना के साथ कैसे रिजॉल्व करता है, ओके, चलिए। नेक्स्ट टॉपिक है 10th नेशनल वोटर्स डे। 10th नेशनल वोटर्स डे इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन 25th जनवरी 2020 टू मार्क 70 इयर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, देखिए तो 25th जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी। नेशनल वोटर्स डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन January 25 एवरी ईयर सिंस 2011। सो 2011 से हम हमेशा राष्ट्रीय मतदाता दिवस की सेलिब्रेशन करते आए हैं। और इस बार की थीम क्या थी, इस बार की थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, ओके, इस बार की थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, ओके, द थीम सेट्स द टोन फॉर यंग ईयर लॉन्ग एक्टिविटीज विच फोकस ऑन वोटर्स एजुकेशन एंड रिन्यूअल ऑफ सिटीजन्स फेथ इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। एम क्या है इसका, एनवीडी सेलिब्रेटेड टू एनकरेज फेलिसिटेट एंड मैक्सिमाइज द वोटर एनरोलमेंट एस्पेशली फॉर द न्यू वोटर्स। तो देखिए जनरली जो लोकसभा या राज्यों के जो चुनाव होते हैं विधानसभा के लिए, वहां पे इंडिया में काफी हिस्सों में वोटर टर्नआउट जो है वो काफी कम देखने को मिलता है, ओके, पिछले काफी सालों से हमारा जो वोटर टर्नआउट है वो है 60% 62%। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 100 लोगों में से सिर्फ 60 लोग या 62 लोग ही चुनाव में वोट देने के लिए जाते हैं, बाकी के 30-40 लोग जो है, ओके, ऑलमोस्ट 40% जो टोटल पॉपुलेशन के जो लोग हैं अबव 18 वो लोग वोट करने नहीं जाते। अब इसके काफी वेरियस रीजन हो सकते हैं, या तो उनको इंटरेस्ट नहीं है, या तो उनको जो वोटिंग की प्रोसेस है उस पर भरोसा नहीं है, या तो वो अपने जो जहां पे उनका नाम रजिस्टर है वहां पे वो रहते नहीं है, ठीक है, जॉब या बिजनेस के वजह से वो किसी और शहर में किसी और गांव में रह रहे, तो इन काफी सारे रीजन की वजह से जो वोटर टर्नआउट है वो हमेशा 60-65% के बीच में रहता है। तो पिछले कई सालों से इलेक्शन कमीशन यही ट्राई कर रहा है, काफी सारे कैंपेन चलाए जाते हैं जब वोटिंग नजदीक हो, रेडियो टीवी पे एड्स दिखाए जाते हैं कि भाई जाइए और वोट कीजिए, ओके, वोट करने में 10 मिनट से ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, बट इट इज अवर ड्यूटी,
के वो हमारी फर्ज है कि हमें बेटर डेमोक्रेसी के लिए वोट करना चाहिए, ओके। और उसी के लिए नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द ECI इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्टरिंग द यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। और उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 25 जनवरी 1950, ओके। दी बॉडी एडमिनिस्ट्रेट, तो अब कौन से चुनाव ECI कंडक्ट करवाता है, तो वो चुनाव हो गए लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जो विधानसभा के चुनाव हो गए वो, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव, इसके साथ साथ जो इन्हीं लोकसभा राज्यसभा MLAs के जो चुनाव होंगे उसकी जो पेटा इलेक्शन होंगे। पेटा इलेक्शन का मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी इलेक्शंस, ओके। मान लीजिए कि कोई सीट खाली पड़ गई, किसी मेंबर किसी MLA या MP की डेथ हो गई या वो बीमार हो गया या उसने वॉलेंटरीली रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, ओके, अपनी सीट से, तो वो सीट खाली होगी। तो सीट को खाली होने की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर ECI लोकसभा की खाली पड़ी हुई सीट, राज्यसभा की खाली पड़ी हुई सीट और MLAs की खाली पड़ी हुई सीट और कुछ कुछ स्टेट में MLC लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन भी जो चुनाव है वो कौन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ओके। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ द कमीशन क्या होगा, तो जब ये एस्टैब्लिश हुआ 1950 से लेकर 1989 तक ये सिर्फ सिंगल पर्सन बॉडी था, मतलब एक ही इंसान से पूरा इलेक्शन संभाला जा रहा था। उसके बाद उसको मल्टीलेयर बॉडी बनाया गया इन 1989, ओके। सो पहले हमारे पास सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हुआ करते थे बिफोर 1989। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 लाया गया और उसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया और क्या क्या जोड़ा गया, तो अब क्या होगा, आपके पास हाईएस्ट लेवल पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर। देखिए, उनकी पावर्स हमेशा एक सी ही होगी, ओके। इन टर्म्स ऑफ रिकमेंडेशन CEC की पावर थोड़ी ज्यादा होगी, अदरवाइज उनके जो सैलरीज है और वो सारी चीजें उनकी एक सी ही होगी। द सेक्रेटेरिएट ऑफ द कमीशन इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, तो ये जो उसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में, और हर स्टेट में वो अपने तरीके से सारे जो स्टेट इलेक्शन है उसको मैनेज करेंगे, ओके। और हर स्टेट में उनके एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो स्टेट इलेक्शन को पर्टिकुलरली संभालेंगे, ओके। और रिपोर्ट भेजा जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ओके। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास 79th फाउंडेशन डे ऑफ ITAT। तो रिसेंटली इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल ने अपना 79th फाउंडेशन डे मनाया, ओके। अब क्या है ये ट्रिब्यूनल, तो जो ITAT है वो एक क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक संस्था है, क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसको 1941 में सेटअप किया गया था अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1922। इनिशियली इट हैड 3 बेंचेस जो कि बैठती थी दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में, बट प्रेजेंटली इट ITAT है 63 बेंचेस एट 27 डिफरेंट स्टेशंस कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल सिटीज हैविंग दिस सीट ऑफ हैविंग अ सीट ऑफ द हाईकोर्ट। तो जहां जहां हाईकोर्ट की सीट है वहां वहां ITAT की बेंच बैठती है, ओके। एंड ITAT इज रिफर्ड एज अ मदर ट्रिब्यूनल बींग द ओल्डेस्ट ट्रिब्यूनल ऑफ द कंट्री। तो देखिए, इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1941 में, ओके। तो इंडिपेंडेंस से पहले इसकी एस्टैब्लिशमेंट हो गई थी एंड दैट्स व्हाई उसको मदर ट्रिब्यूनल बोला जाता है, ओके। ये काम क्या करता है, तो इट डील्स विद अपील्स अंडर द डायरेक्ट टैक्स एक्ट, नेमली इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स के साथ जुड़े हुए जो भी डिस्प्यूट होंगे, डायरेक्ट टैक्सेस के साथ जुड़े हुए जो भी डिस्प्यूट होंगे उसको रिजॉल्व करने का काम कौन करेगा, अपेलेट ट्रिब्यूनल, टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल, ओके, जिसको शॉर्टली हम ITAT के नाम से जानते हैं, ओके। चलिए, और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपके आप आर्ट एंड कल्चर के साथ जोड़ सकते हो वो है भारत पर्व, ओके। द इवेंट भारत पर्व इज बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम 26th to 31st January 2020 इन न्यू दिल्ली, ओके। तो ये मनाया गया 26 से 31 जनवरी न्यू दिल्ली में, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मेन पर्पस क्या था, टू एनकरेज इंडियंस टू विजिट डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इंडिया एंड टू इन
क्यूलेट द स्पिरिट ऑफ देखो अपना देश. ओके, तो जनरल ये टूरिज्म के बेसिस पे इस बार का एम जो है वो प्रिपेयर किया गया था, देखो अपना देश. ओके, तो हर लोगों को एनकरेज किया गया कि भाई आप विदेश में घूमने जाने से पहले खुद अपने देश को, अपने देश में घूमो, अपने देश के अलग अलग स्टेट के कल्चर्स को जानो. अब क्यों ऐसा एम रखा गया, ताकि जो लोकल टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिल सके. ओके, चलिए. और इस बार की थीम क्या थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत. ओके, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. भारत पर्व 2020 की थीम क्या थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत एंड सेलिब्रेटिंग 150 इयर्स ऑफ महात्मा. तो ये दोनों थीम के साथ भारत पर्व 2020 मनाया गया. इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. ओके, चलिए. और क्या क्या जो हाइलाइट्स थी वो थी, रिपब्लिक डे परेड के जो टेबलोज होते हैं अलग अलग स्टेट्स के. ओके, परफॉर्मेंस बाय द आर्म्ड फोर्सेस और ये सारे उसके हाईलाइट्स थे. चलिए, अब ये रिपब्लिक डे परेड टेबलो से मुझे एक चीज याद आई. आई डोंट नो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये आपको बताया है या नहीं बताया है, बट जो 2020 का जो रिपब्लिक डे टेबलो था उसमें गुजरात का जो टेबलो था वो था रानी की वाव. ओके, स्टेप रानी की वाव स्टेपवेल. ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है, आपकी क्लास 1, 2, 3, 4 कोई भी एग्जाम में डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, अगर आपको सारे स्टेट्स के टेबलो देखने हैं, यू कैन इजीली फाइंड आउट द लिस्ट. और रिपब्लिक डे की परेड भी एक बार आप देख लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग परेड होती है. काफी सारे चीजें आपको जानने को मिलेगी जो कि आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है. ओके, चलिए. आंध्र प्रदेश टू स्क्रैप लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अवर न्यू एंड नेक्स्ट करंट अफेयर टॉपिक, जो कि रिलेट करता है पॉलिटी से. ओके, द आंध्र प्रदेश असेंबली हैज पास्ड रिजोल्यूशन टू अबॉलिश द स्टेट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल. अब आंध्र प्रदेश जो असेंबली है उसने ये डिसाइड किया है कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्क्रैप कर दिया जाए. जो विधान परिषद है आंध्र प्रदेश विधान परिषद, उसको स्क्रैप कर दिया जाए. क्यों स्क्रैप करना है भाई, इतने सालों से तो चला आ रहा था. देखिए, विधान परिषद क्या हो गया, जैसे नेशनल लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा इज दी लोअर हाउस, राज्यसभा इज दी अपर हाउस, उसी तरह स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, विधानसभा जो है वो आपका हो गया लोअर हाउस, एंड विधान परिषद दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल जो आपका हो गया अपर हाउस. अब देखिए, क्यों हर स्टेट में विधान परिषद है या नहीं है, तो हर स्टेट में विधान परिषद नहीं है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये छूट देता है राज्यों को, अगर कोई बड़े स्टेट है तो उन बड़े राज्यों को ये छूट दे दी गई है कि भाई अगर आपको, आप जो लॉ बना रहे हो उसको अगर स्क्रूटिनाइज करवाना है, ओके, अगर ग्राउंड पे जाने से पहले, उसको लॉ बनाने से पहले अगर किसी ड्राफ्ट को बार बार अगर आपको स्क्रूटिनाइज करवाना है तो यू शुड हैव दी ड्यूअल हाउस सिस्टम. ओके, और उसी की वजह से यूपी, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे जो स्टेट है वहां पे आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल दिखेगी. ओके, जम्मू एंड कश्मीर में रिसेंटली लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्क्रैप कर दिया गया था बिफोर दी रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370. ओके, तो अब जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, चलिए. सो आंध्र प्रदेश ने क्यों ये डिसाइड किया कि भाई हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं चाहिए, तो देखिए क्या हो रहा है कि वाईएसआर कांग्रेस की वहां पे अभी गवर्नमेंट है. ओके, और अपर हाउस में अपोजिशन पार्टी की मेजोरिटी है, मतलब विधान परिषद में अपर अपोजिशन पार्टी की मेजोरिटी है. अब हो क्या रहा है कि वाईएसआर कांग्रेस विधानसभा में से कोई भी ड्राफ्ट को पास करके अगर विधान परिषद में भेज रहा है. अब देखिए, विधान परिषद है तो अब सीधा सीधा उसको विधानसभा में पास करके, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली में पास करके गवर्नर के पास नहीं भेज सकते. फिर आपको वो रूट फॉलो करना ही पड़ेगा कि भाई पहले लेजिस्लेटिव असेंबली, देन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड देन गवर्नर. तो अब लेजिस्लेटिव असेंबली तो इजीली सारे ड्राफ्ट पास कर दे रही है जो उनको चेंजेस करने हैं, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो स्टक हो जा रहा है. लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्योंकि अपोजिशन पार्टी की मेजोरिटी है, वो लोग उसको वोटिंग में क्या कर रहे हैं, पास नहीं होने दे रहे, और वो ड्राफ्ट बिल जो है वो फेल हो जा रहा है. ओके, और इसकी वजह से जो लेजिस्लेशन का जो
क्रिएशन है उसमें डिले हो रहा है। तो इसीलिए लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये डिसाइड किया कि भाई हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल आंध्र प्रदेश में चाहिए ही नहीं, और अब आंध्र प्रदेश इतना बड़ा स्टेट नहीं रहा कि उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल की ज़रूरत हो। ओके, जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था तब वो मान सकते थे कि वो बड़ा राज्य था और वहाँ पर ज़रूरत थी। अब तो दो पार्ट हो चुके हैं, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, तो अब उनको इसकी ज़रूरत नहीं लगती। और ये बिल ऑलरेडी आंध्र प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे पास हो चुका है, अब ये भेजा जाएगा लोकसभा में। जब पार्लियामेंट इसको पास करेगी तब जाके लेजिस्लेटिव काउंसिल को वहां से हटाया जाएगा, एंड गेट टू विथ 2/3 स्पेशल मेजोरिटी। ओके, चलिए, द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेंड द रिजोल्यूशन टू गवर्नर फॉर हिज अप्रूवल एंड देन टू द पार्लियामेंट फॉर रेटिफिकेशन। द मूव कम्स आफ्टर लेजिस्लेटिव काउंसिल रिफर्ड द कैपिटल डिसेंट्रलाइजेशन बिल टू अ सिलेक्ट कमिटी फॉर रिव्यू। ओके, अब ये कैपिटल डिसेंट्रलाइजेशन बिल क्या था? तो आंध्र प्रदेश ने तीन अलग अलग कैपिटल्स बनाने के लिए एक बिल पेश किया था जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया, वो जाके स्टक कहाँ पे हो गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ओके, तो उसी की वजह से ये इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है। ओके, आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज सेटअप इन 1958 एंड वॉज अबॉलिस्ड इन 1985 एंड देन अगेन रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन 2007। ओके, चलिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल बेसिस ऑफ फॉर्मेशन क्या है? तो इंडिया हैज अ बाइकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर, राइट? जस्ट अ पार्लियामेंट इज जस्ट एज द पार्लियामेंट इज टू हाउसेज, द स्टेट्स कैन ऑल्सो हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन एडिशन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो 169 में आपको ये छूट दी गई है। अबोलिशन और क्रिएशन भी 169 के हिसाब से होगा। कैसे? द पार्लियामेंट कैन अबोलिशन लेजिस्लेटिव काउंसिल और क्रिएट बाय सिंपल मेजोरिटी इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट बाय स्पेशल मेजोरिटी पासेस अ रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। तो देखिए, आंध्र प्रदेश के सिलसिले में क्या होगा, आंध्र प्रदेश असेंबली को 2/3 मेजोरिटी से पास करना था। जब वो लोकसभा राज्यसभा में जाएगा, पार्लियामेंट में जब वो जाएगा, तो वहां पे सिंपल मेजोरिटी से वो पास या फेल हो जाएगा। ओके, तो सिंपल मेजोरिटी दी गई है किसको? पार्लियामेंट को। ओके, चलिए, कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है? तो देखिए, एज ऑफ नाउ आंध्र प्रदेश में अभी भी है, ठीक है, अबॉलिश नहीं हुई है, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है बट अभी भी वो फंक्शनिंग है। आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो इन स्टेट्स में अभी भी आपके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन ऑफ राजस्थान, असम एंड ओडिशा हैव पास्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल। तो इन तीन स्टेट्स ने ऑलरेडी पार्लियामेंट को ये भेज दिया कि भाई हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की ज़रूरत है, बट अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। ओके, चलिए, और ये सारे जो है वो थोड़े एक्स्ट्रा स्टफ है, ठीक है, प्रो में, अगेंस्ट में, तो वो आपको मेंस के लिए काम आएंगे, प्रीलिम्स में ऐसे फैक्ट्स आपको जनरली नहीं पूछे जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया एंड ब्राजील से रिलेटेड। ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो अटेंडेड इंडियाज 71st रिपब्लिक डे परेड एज द चीफ गेस्ट फॉर द इवेंट। ओके, इंडिया ब्राजील बिजनेस फोरम हेल्ड ड्यूरिंग हिज विजिट एंड 50 मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर साइंड बिटवीन दी टू कंट्रीज। ओके, और देखिए, ये जो पूरा आपको हिस्सा जो हाईलाइटेड दिखाया हुआ है ऑरेंज कलर में, दैट इज ब्राजील। और अभी ब्राजील में जो अमेजोन के जंगलों में आग लगाई गई है, ओके, उसके लिए ब्राजील के जो राष्ट्रपति है उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम उसके लिए अब कुछ नहीं करेंगे, जब वो नेचुरली आग बुझेगी तभी उसको हम टैकल करेंगे। ओके, और ये ऐसा रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि ये मैन मेड फायर था। अमेजोन के जो जंगल है उसको कहा जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ। ओके, तो वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं पूरी ग्लोब के लिए, और वहां पे आग लगना तो वो पूरी बायोडाइवर्सिटी और एटमॉस्फेयर के लिए काफी बुरी बात थी, बट उसको अच्छी तरह से टैकल ये लोग नहीं कर पाए। ओके, चलिए, कौन से एमओयू साइन हुए? जिस सेक्टर में एमओयू साइन हुए वो है इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड फैसिलिटेशन, सोशल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, डिफेंस एंड डबल टैक्सेशन वर साइंड। ओके, चलिए, और इंडिया और ब्राजील कौन से लेवल पे साथ साथ है? तो वो ब्रिक्स में साथ साथ है, वो IBSA में साथ साथ है, G4 कंट्रीज का जो ग्रुप है वहां पे भी इंडिया एंड ब्राजील आर पार्टनर्स, G20 में पार्टनर्स है। ओके, और सारे काफी इंटरनेशनल लेवल्स पे वो पार्टनर्स है, बट अब तक हमारा जो ट्रेड है ब्राजील के साथ वो काफी कम रहा है। ओके, और उसी को
बाय 2020 तो हमें कहाँ तक पहुँचाना है, हमें पहुँचाना है 15 बिलियन US डॉलर तक. ओके, इट नीड्स टू बी नोटेड दैट ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया इन दी लैटिन अमेरिका रीजन. ओके, बट उसका जो ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो इतना बड़ा नहीं है. बट लैटिन अमेरिका के जो बाकी कंट्रीज है, चिली देख लीजिए या अर्जेंटीना देख लीजिए, तो उनकी कंपेरिजन में ब्राज़ील के साथ हमारा ट्रेड काफ़ी ज़्यादा है. ओके, और उसी को आगे ले जाने के लिए इस बार इन्वाइट किया गया था जेयर बोल्सोनारो को, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट है. ओके, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखिए कितनी लेट एस्टैब्लिश हुई है इंडिया और ब्राज़ील के बीच, जो एस्टैब्लिश हुई है 2006 में. ओके, चलिए और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए आता हुआ हमें दिख रहा है, वो है अफ्रीकन चीता को हमें लाना है इंडिया में. तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल पुराना जो बैन था उसको क्या कर दिया है, हटा दिया है. ओके, 2012-13 में एक ऐसी बात चली थी कि भाई अफ्रीका से हमें चीता लाके इंडिया इंडियन हैबिटेट में उसको इम्प्रूव करना है, उसको डेवलप करना है, ताकि उसकी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाया जा सके. देखिए, इंडिया से चीता 1949 में ही एक्सटिंक्ट हो चुका है. ओके, इंडिया में एक भी चीता हमें देखने को नहीं मिलेगा. सो रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज लिफ्टेड इट्स 7 ईयर लॉन्ग बैन और स्टे ऑन अ प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस अफ्रीकन चीता फ्रॉम नामीबिया इनटू द इंडियन हैबिटेट. तो ये जो चीता है वो कहाँ से लाया जाएगा, नामीबिया से लाया जाएगा. नामीबिया है एक अफ्रीकन कंट्री. ओके, अभी देखिए इसके लिए चीता को लाने के लिए हमारे पास दो कंट्री के ऑप्शन थे, एक था ईरान और दूसरी साइड था नामीबिया. ईरान के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, तो जब इंडिया ने ईरान को बोला कि भाई हमें चीता की एक या दो पैर चाहिए ताकि हम उसको इंडियन हैबिटेट में ढाल सके, ओके, और उसको इंडियन हैबिटेट में उसको डेवलप कर सके, तो ईरान ने ये बोला कि यस वी आर रेडी टू गिव यू दी टू पेयर्स ऑफ चीता. ओके, ईरानियन चीता, बट इन एक्सचेंज व्हाट इंडिया हैज टू प्रोवाइड ईरान, तो इंडिया को देना पड़ेगा जो एशियाटिक लायन है, जो सिर्फ और सिर्फ गिर में देखने को आपको मिलेगा, उसकी एक पैर हमें ईरान को देनी थी. अब अगर ऐसा इंडिया करता है तो उसकी जो एक्सक्लूसिविटी है, ओके, अभी पूरी दुनिया में जो एशियाटिक लायन है वो कहाँ बचे हैं, सिर्फ गिर रीजन में बचे हैं. तो अगर इंडिया ये चीज़ करता है तो उसकी एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाएगी. तो इंडिया ये नहीं चाहता कि उसकी एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाए. ओके, दैट्स वाई इंडिया ने मना कर दिया और जो वापस जो टॉक्स थी वो ईरान के साथ हमें बंद करनी पड़ी और फिर हमने रुख किया नामीबिया का. और नामीबिया विदाउट एनी कंडीशंस मान गया और हमें वो अफ्रीकन चीता प्रोवाइड कर रहा है. ओके, कोर्ट हैज नाउ अलाउड टू इनिशिएट द री इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन चीतास इनटू द पालपुर कूनो सेंचुरी इन मध्य प्रदेश ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस. ओके, तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एक पैर लाई जाएगी. इन 1952 द एशियाटिक चीता वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया. तो 1948 से लेकर 1952 तक पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुका था चीता फ्रॉम इंडिया. ओके, चलिए और अभी देखिए कौन से अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता की कंपैरिजन आपको यहाँ पे दी गई है. तो IUCN के लिस्ट में अफ्रीकन चीता वल्नरेबल की लिस्ट में है, एशियाटिक चीता जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में है. साइट्स का जो स्टेटस है वहाँ पे भी अपेंडिक्स 1 में है डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जबकि एशियाटिक चीता भी अपेंडिक्स 1 में है इन दी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी. ओके, हैबिटेट क्या है, तो अराउंड 7,000 अफ्रीकन चीतास प्रेजेंट इन द वाइल्ड. तो अफ्रीका में टोटल 7,000 जितने चीता अभी अवेलेबल है, जबकि 40-50 फाउंड ओनली इन ईरान. तो एशियाटिक चीता देखिए कितना कम हो चुका है. ओके, 40-50 बचे हैं, वो भी कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ईरान में बचे हैं. ओके, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो अफ्रीकन चीता जो है वो एशियाटिक चीता की कंपैरिजन में साइज में बड़ा होगा. ओके, और वो जो होगा वो स्मॉलर होगा. ओके, और एशियाटिक चीता कैट लाइक अपीयरेंस होगा. ओके, और इमेज आपको नीचे दी हुई है. तो दिस इज दी अफ्रीकन चीता एंड दिस इज दी एशियाटिक चीता. ओके, चलिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे लिफ्टेड इट 7 ईयर स्टे ऑन दी प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस अफ्रीकन चीता फ्रॉम नामीबिया इन टू द इंडियन हैबिटेट ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस. तो ये मैंने पूरा जो आपका द हिंदू का कटिंग है वो यहाँ पे लाके रखा. इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ये है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन देके अपने हाथ खड़े कर दिए. सुप्रीम कोर्ट ये भी इंश्योर करना चाहता है कि ये जो चीतास
अफ्रीका से लाए जा रहे हैं वो इंडियन हैबिटेट में उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि आने वाले सालों में ऐसा ना हो कि भाई 1-2 साल में एक समाचार हमें सुनने को मिले कि भाई उनकी डेथ हो चुकी है। ओके, तो इसी के लिए जो जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, ओके, जिसको लीड कर रहे थे खुद हमारे चीफ जस्टिस SA बोबड़े, उन्होंने ये बोला कि भाई NTCA इसको पूरी तरह से मॉनिटर करेगा। ओके, और एक 3 मेंबर्स एक कमिटी बनाई गई है जो कि एंश्योर करेगी कि भाई चीता का जो हैबिटेट ट्रांजिशन है, ओके, वो पूरी तरह से ढंग से चल रहा है। और हर 4 महीने में आपको रिपोर्ट किसको देनी पड़ेगी, खुद चीफ जस्टिस या तो सुप्रीम कोर्ट को आपको वो रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो NTCA की निगरानी में एक कमिटी बनाई गई है। ओके, चलिए देखिए, बेंच मेड श्योर दैट द राइट प्रिकॉशंस आर टेकन, इट सेट अप अ 3 मेंबर कमिटी कंप्राइजिंग फॉर्मर डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि है रंजीत सिंह, डायरेक्टर जनरल ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि है धनंजय मोहन, और DIG वाइल्ड लाइफ जो कि पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंतर्गत, उनकी एक कमिटी बनाई गई है। ओके, और चीफ जस्टिस ने कहा है कि भाई हर 4 महीने में आपको मुझे आकर क्या करना है, रिपोर्ट देना है। ओके, टू डायरेक्टेड द कमिटी, SA बोबड़े डायरेक्टेड द कमिटी टू फाइल अ प्रोग्रेस रिपोर्ट every 4 months। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इतना ही इंटरेस्ट ले रहा है। ओके, और देखिए, मध्य प्रदेश की पालकुर कुनो सेंचुरी को ही क्यों चुना गया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नियर हैबिटेट है विथ कंपेरिजन टू नामीबिया। नामीबिया में चीते जिस हैबिटेट में रहते हैं वैसा हैबिटेट, सबसे रिजेंबल हैबिटेट हमें कहाँ मिल रहा है, पालकुर कुनो सेंचुरी में। ओके, चलिए, तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स इन योर जनवरी 2020 सीरीज। और आज का आपका टेस्ट क्वेश्चन जो है वो है विथ रेफरेंस टू द वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ डिप्लोमेट इन अ फॉरेन स्टेट शेल नॉट प्रैक्टिस एनी प्रोफेशनल और कमर्शियल एक्टिविटी फॉर प्रोफेशनल प्रॉफिट। स्टेटमेंट टू, इंडिया हैज रेटिफाइड दिस कन्वेंशन। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, वो आपको ढूंढ के निकालना है। दूसरा इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, सेकेंड एटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी, थर्ड रेड सी एंड गल्फ ऑफ ईडन, जावा सी एंड इंडियन ओशन। ओके, चलिए, थर्ड जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मियावाकी मेथड। ओके, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस मेथड, राइट, इट इज अ जैपनीज मेथड ऑफ अर्बन एफॉरेस्टेशन। सेकेंड, द मेथड वॉज अडॉप्टेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, और नीदर वन एंड टू। ओके, अगर कोई डाउट है तो जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और रीच आउट टू मी डायरेक्टली। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।